हेलो एवरीवन, मायसेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं ऑडिट को और फाइनली हमारी जो ऑडिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीट होने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में कुछ अलग अलग किस्म के डाउट हैं, तो ये एक छोटा सा वीडियो है, इसके माध्यम से मैं उन सारे डाउट्स प्लस आगे की जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो उसके बारे में मैं आपको क्विकली कुछ बताना चाहूँगा कि आगे क्लासेस क्या होगी, कैसे होगी, अब कैसे इसको डील करना है। तो मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, जो जो क्वेश्चंस है जनरली, जैसे क्या ये ऑडिट की क्लासेस सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए, नोट्स और क्लासेस में कुछ डिफरेंस है वो क्यों है, एमसीक्यूज कब डिस्कस करेंगे, रिवीजन क्लास होगी कि नहीं होगी, आने वाले लेक्चर्स कौन कौन से हैं, कोर्स कब तक ख़त्म होगा, फिर क्या ये ओवरऑल जो कोर्स वीडियो लेक्चर सारे सब्जेक्ट की ये पार्ट के लिए सफिशिएंट है। और अगर आपने अभी भी पूरी तैयारी शुरू नहीं की है, कोर्सेज आप लेने के लिए सोच रहे हैं, अभी भी विचार कर रहे हैं, तो ये सारे कुछ डाउट्स हम लोग इसके अंदर क्लियर करेंगे। आप देखना ज़रूर, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ये पूछी गई है मेरे से कि ये जो ऑडिट की क्लासेज हैं ये क्या सफिशिएंट है, क्या आपने सिर्फ 15 क्लासेज ली और ख़त्म कर दी ऑडिट। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑडिट का सिलेबस अगर आप उठा के देखोगे तो ऑडिट के सिलेबस में आपको कुछ इस तरह के टॉपिक मिलेंगे। फर्स्ट बेसिक और इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें ऑडिट की मीनिंग, ऑडिट का कंपैरिजन अलग अलग फील्ड के साथ, बुककीपिंग, अकाउंटिंग, उनका डिफरेंस, फिर ऑडिट का क्लासिफिकेशन, अलग अलग तरह की ऑडिट्स, ये सारे टॉपिक हैं। फिर कुछ स्पेशल टॉपिक आ जाते हैं, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क असेसमेंट, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस, रिपोर्टिंग, ठीक है, इंटरनल ऑडिट, कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, और इस तरीके से ये सारे एक एक करके टॉपिक चलते हैं अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड किताब उठा के देखोगे तो। और ये जो ऑडिट की क्लासेस होती है, अगर मैं नॉर्मल CA इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो इट टेक्स 4 मंथ्स टाइम, मिनिमम 4 महीने का समय लगता है, जिसके अंदर इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे पास इस एग्ज़ाम के लिए टाइम की लिमिटेशन है, एक क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर ऑडिट 100 नंबर का नहीं है, प्लस सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है, प्लस कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, बैंक ऑडिट और उस तरह की ऑडिट्स नहीं है, एडवांस टॉपिक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करते हुए कि आप कितना समय दे रहे हो और आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, ऑडिट के एग्ज़ाम में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन, तो उनके लिए जितना समय, जितने टॉपिक रेलेवेंट है वो सारे लेक्चर्स हमने इन लेक्चर्स के अंदर वो सारे टॉपिक कवर किए हैं। दूसरी चीज़, ये डाउट कल से जब से ये क्लासेस ख़त्म होने का थोड़ा सा ऐसा बोला मैंने, तो बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल आ गए कि आपने ऑडिट का बेसिक तो पढ़ाया नहीं, डिफरेंस और बुककीपिंग के साथ तो पढ़ाया नहीं, आपने सीधे ऐसे शुरू कर दिए। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है कि जब हमने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग शुरू किए, किसी ने अगर सिर्फ 1-2 लेक्चर देखे तो पता नहीं, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं एसेज के पहले 5-7 जो वीडियोज़ हैं, तो हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में बेसिकली क्या पढ़ा, जब ऐसे 200 सीरीज से शुरू किया तो पहला तो ऑडिट क्या होता है उसको समझा, ऑडिटर और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, फिर जितने भी टॉपिक होते हैं, चाहे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो, फ्रॉड के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, लॉ एंड रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, कम्युनिकेशन हो, जॉइंट ऑडिटर हो, रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी, फिर ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर ओपनिंग बैलेंसेज, इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम, एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फिर रिलेटेड पार्टी, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, यूजिंग वर्क्स ऑफ अदर्स, और यूँ करते करते फाइनली डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट और ओपिनियन तक हम पहुँचे। अब हुआ क्या बेसिकली, अगर मैं इन चीज़ों को दूसरे तरीके से पढ़ाता, कैसे, ऐसे इसको एक बार के लिए साइड में रख के मैं सीधा आपको पहले ऑडिट क्या होती है, ऑडिटर की ज़िम्मेदारी क्या होती है, फ्रॉड के लिए क्या ज़िम्मेदारी होती है,
ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं। तो मैं अगर सीधा आपको ये टॉपिक शुरू करवा के पढ़ाता इस तरीके से एक एक टॉपिक लेके, तो आपको ये चीज़ कभी समझ नहीं आ सकती थी और मेरे लिए समझाने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता कि ये पढ़ तो रहे हैं जो ऑडिट स्ट्रेटेजी या ऑडिट एविडेंस ये है क्या, इनका यूज़ क्या है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब हम एसेज के साथ में पढ़ते हैं तब हमें एक एक चीज़ क्लियर होती है। जैसे ऐसे 200 में हमने पढ़ा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको पहले दिन कहा था हर सवाल का जवाब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से निकलता है, ऑडिट के हर क्वेश्चन का जवाब। जैसे ऑडिट एविडेंस क्यों कर रहे हैं तो हमें पता है ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसे रीजनेबल अश्योरेंस, और रीजनेबल अश्योरेंस के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास कंक्लूजन फॉर्म करना चाहिए, और ये कंक्लूजन किसके आधार पे, निष्कर्ष किसके आधार पे पहुंचता है, तो ये एविडेंसेस के आधार पे पहुंचता है। रिस्क असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, अगर मैं सीधा बताऊं तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जब हमें पता है रीजनेबल अश्योरेंस के लिए ऑडिटर को ऑडिट रिस्क कम करना पड़ता है, और ऑडिट रिस्क दो चीज़ों से, तो ये चीज़ें लिंक होती है एक दूसरे से। और बेसिकली जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है नाम से ही पता चल रहा है, अंकेक्षण मानक मतलब ये स्टैंडर्ड है ऑडिट करने के, तो इसमें तो वो सारी बातें दे रखी होगी जो ऑडिट के अंदर होती है। जब हमने यही पढ़ लिए तो फिर इसके अलावा टॉपिक कुछ बचा ही नहीं ना, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं, सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। तो जो ये अप्रोच है हमारी एसेज के हिसाब से, एसेज के साथ में पढ़ाने की और पढ़ने की, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, पर्पस समझ आया होगा इसका, ये क्यों इस तरीके से पढ़ा। दूसरा फ़ायदा, अगर आप सीधे टॉपिक पढ़ते ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड एक एक करके, तो आपको एसेज अलग से पढ़ने पड़ते, इनके नाम याद रखने पड़ते, नंबर याद रखने पड़ते, और चीज़ें आपस में कभी भी लिंक नहीं होती। नहीं तो अब आपके पास एक पूरी सीक्वेंस है ऐसे 200 से लेके 710 तक कि किस किस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये क्लासेस मोर देन इनफ है ऑडिट के लिए, ऑडिट के अंदर इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आ सकता। और मेरा यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में जाके सरप्राइज हो जाओगे कि आप ऑडिट के सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाओगे 90% प्लस एक्यूरेसी। देखो एक दो सवाल तो हो सकते हैं कोई अजीब आ जाए कुछ, लेकिन 90% प्लस आप जवाब दे सकते हो अगर आपने सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अच्छे से समझे हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आया कोई ऐसे कुछ तो भी आप मुझे बताइए, या फिर आप एक बार एसेज के वापस से लेक्चर्स देखिए जिनको अगर थोड़ा बहुत डाउट है ऑडिट के अंदर कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे ही आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कंप्लीट करोगे आपके सारे डाउट ऑडिट से रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़, एकदम कुछ बेसिक बातें जो होती है जैसे ऑडिट का बुककीपिंग के साथ डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग के साथ डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टिगेशन, तो देखिए ये सेल्फ स्टडी की चीज़ें हैं। अगर ये अगर अपन कवर करने जाएंगे तो इनमें कोई समझने वाली बात तो है नहीं। ऐसे तो अपन ऑडिट को किसी के साथ भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टेबल कुर्सी पंखे से कैसे डिफरेंट है ऑडिट, तो ये सेल्फ स्टडी की चीज़ें हैं, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि आप घर जाके एक बार 15 मिनट के लिए टॉपिक को नोट्स से देखो ताकि आपको दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलली क्लियर होती जाए, ठीक है। और वो करने जाएंगे तो फिर वही चीज़ है टाइम और कॉस्ट। अगर आप मेरे को 4 महीने दोगे तो मैं आपको हर चीज़ क्लियर करवा सकता हूँ, लेकिन हमें क्योंकि सीमित समय के अंदर क्विकली इसको करना है, तो आप मेरा यकीन मानिए ये बेस्ट अप्रोच है। और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आप अगर किसी और तरीके से पढ़ते और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से पढ़े दोनों में कितना फ़र्क है। दूसरा इसी से जुड़ा डाउट है, नोट्स और क्लासेस में अंतर क्यों है, क्या अंतर है, मैं बता देता हूँ। अगर किसी ने नोट्स देखे ही नहीं तो उसको तो पता ही नहीं चला होगा, अदरवाइज नोट्स के अंदर हमने वापस वैसे जो मैं कह रहा था ना टॉपिक वाइज, जैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अलग समझाया, ऑडिट एविडेंस को अलग समझाया, ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग, सब ये टॉपिक वाइज दे रखे हैं क्योंकि बुक्स ऐसी ही होती है, नोट्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको यूँ देखेंगे तो ये सब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर कवर्ड है, तो ये नोट्स अलग है और क्लासेज जो है वो समझाने के लिए है। अब आपको चीज़ें समझ आ गई कि ऑडिट एविडेंस कहाँ यूज आता है, ये ऐसे 500 में रीजनेबल अश्योरेंस ऑप्टेन करने के लिए काम आता है, ऑडिट प्रोसीजर एविडेंस के लिए काम आता है, डॉक्यूमेंटेशन का ये पर्पज़ है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से पढ़े, चीज़ें वही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो नोट्स के अंदर ये इस तरीके से दिया हुआ, प्लस एसेज की लिस्ट दे रखी है सिंपल सी। मेरा कहने का मतलब है दोनों में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का अंतर है, तो उसको लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अपने क्लासेस एक बार अच्छे से कंप्लीट कर दिए 15 लेक्चर,
अब आप नोट से एक बार सेल्फ स्टडी कीजिए, 100% कवर हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट चीज़ है MCQ और रिवीजन क्लासेस। अभी भी अगर आपको कहीं कोई कुछ डाउट रहता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम एक रिवीजन क्लास रखेंगे वेरी सून, 21 तारीख के बाद, 21 के बाद ये मैराथन क्लास होगी। इसके अंदर ऑडिट का हर एक कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे क्विकली, ठीक है, एवरी कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप एक बार नोट से सारी चीज़ें वापस खुद पढ़ रहे हो। प्लस एक हम MCQs के ऊपर भी लेक्चर रखेंगे, जिसके अंदर जो भी अपने वीकली टेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, उसके अलावा भी अलग अलग टॉपिक से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये MCQ क्लासेस के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, इसी वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर मैं कभी भी आपको अपलोड करके दे दूँगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। ये तो ऑडिट जो कि अपना कम्प्लीट हुआ है। एक ऑडिट के अंदर पेनल्टी और वो सेक्शन है, तो वो हम लोग कंपनीज एक्ट के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, वो कंपनी एक्ट का ही पार्ट है, तो मैं वहीं पढ़ाऊँगा इसको। अब आने वाली क्लासेस तो देखिए, अभी तक अपनी कौन कौन सी क्लासेस ख़त्म हुई है, कॉस्टिंग कंप्लीट हो चुका है और शायद आपने भी ख़त्म कर दिया होगा, ऑडिट कंप्लीट कर दिया हमने, इनकम टैक्स एंड GST चल रहा है, बचता है अकाउंट्स, FM और कंपनी लॉ। मंडे से शुरू हो जाएंगे ये, ठीक है, FM इतना बड़ा है नहीं, अकाउंटिंग है मेन जो शुरू होगा, और शुरू भी इस तरीके से होगा, पंकज सर ने आपको बताया होगा, फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल, जो चीज़ें आप भूल चुके हो CA या आपने उसके दौरान पढ़ते पढ़ते जो 11th 12th की बातें हैं, जो CPT या फाउंडेशन उस लेवल पे हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ एरर्स, वो सारी चीज़ें वहाँ से कवर करते हुए सिस्टमेटिकली किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इतना हालांकि लेंथी है ही नहीं, 2-3 टॉपिक ही है। फिर कंपनी लॉ, कंपनी लॉ क्या हमारे लिए रेलेवेंट है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, तो मैं कहूँगा कंपनी लॉ के हम दो पार्ट पढ़ेंगे, एक जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो इनिशियल होगा, प्लस दूसरा होगा जो एडवांस लेवल AO के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। AO वालों को तो दोनों ही पढ़ने हैं, और जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको शुरुआती जो सेक्शन हम पढ़ेंगे वो देखने हैं। तो ये अपना शेड्यूल रहेगा, और ये अपन 21 तक क्लियर कर देंगे, ख़त्म, 21 जून तक सारे लेक्चर्स ख़त्म। अब किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि नहीं साहब ये तो 21 तक तो सब कुछ धरती हिल जाएगी, तो फिर आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में जाना और उनके अंदर आपको अकाउंटिंग और FM के 6 महीने पुराने लेटेस्ट जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल है। हर लेक्चर का पहला फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है आप क्लासेस के साथ चलिए, ये क्लासेस इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ली जा रही है, तो सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें अपन पढ़ेंगे, वहाँ आपको काफ़ी सारी इररेलेवेंट चीज़ें भी मिल सकती है, क्योंकि वो CA इंटर और CA उसके लिए है। चलिए, कोर्स 21 तक कंप्लीट हो जाएगा, 21 के बाद अपन मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जो आपको साथ साथ में देनी है मॉक टेस्ट सीरीज। दूसरा, वीकली टेस्ट अपना चल रहा है, जैसे आज संडे को कॉस्टिंग का पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट अपलोड हो गया, एक दो दिन के अंदर मैं ऑडिट के पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट अपलोड कर दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट बी है अपना, मेरा एक सबसे पहला वीडियो है जब एग्ज़ाम आया था 2-3 महीने पहले, तब मैंने कहा था एक पार्ट बी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर टाइप ज़रूर बनाएंगे अपन, ताकि आपको आइडिया लगे किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो चीज़ फाइनली हो चुकी है, आपके कोर्स में हमने ऐड कर दी है उसको, पार्ट बी का एक पेपर पूरा 80 मार्क्स का, आप ज़रूर ज़रूर देखें उसको, बिल्कुल मस्ट है, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी किस तरह का GK आता है, किस तरह का हिंदी आता है IBPS के एग्ज़ाम में, किस तरह का इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, ये सारे IBPS के ही क्वेश्चंस मैंने उठा के इसमें डाले हैं पुराने, तो ये आप ज़रूर देखिएगा पार्ट बी। अब यहाँ डाउट मत पूछिएगा आपके ये बैच में डाला है कहाँ, कोर्स में नहीं मिल रहा है, तो देखिए ऐप के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ऐप में अगर आप जाओगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक बीच में स्टोर लिखा मिलेगा, उस स्टोर के अंदर बेसिकली आपका जो परचेज़ किया हुआ है वो कोर्स रहता है, आप वहीं से परचेज़ करते हो वो वहीं दिखता है। फिर यहाँ पे एक बैच का ऑप्शन होता है, तो इस बैच में जाके आपको ज्वाइन करना पड़ता है, एक बैच कोड जो वहीं आपको मिल जाएगा,
वो बैच कोड लगा के आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो जिन लोगों ने परचेज़ किया हुआ है कोर्स। तो ज़्यादातर लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन कोई अभी भी करीब मेरे हिसाब से 350-350 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है लेकिन बैच में पहुंचने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं वो। तो ये सारे वीकली टेस्ट उस बैच में अवेलेबल हैं, आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ़ कोर्स लेने से कुछ नहीं हो जाता, आपको कोर्स से कुछ न कुछ आउटपुट लेना होगा, गेन लेना होगा, आपको देखना होगा कि मेरे फ़ायदे की चीज़ें क्या क्या है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, क्या कोर्स और वीडियो लेक्चर्स मिला के टोटली सफिशिएंट है? तो मैं अगेन यही बात बोलूँगा, देखिए कोई इसके अलावा, पहली चीज़ तो दुनिया का कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि भाई हम 100% बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 60 क्वेश्चन का पेपर है तो आप मान के चलिए 50-55 क्वेश्चन तो यहीं से कवर होंगे, 2-5 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कहीं एकदम अलग चीज़ आ जाए वो भी आप अटेंड कर सकते हो, 5-10 क्वेश्चन जो डिफरेंट है अपने जो नॉलेज है, आपने जो 50 क्वेश्चन के लिए जो तैयारी की है, जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड होंगे, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। लेकिन 100% का तो कोई नहीं कह सकता, मैक्सिमम जो रीज़नेबल अश्योरेंस है वो हम दे सकते हैं कि इस कोर्स इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपका सब कुछ कवर है। अगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स प्लस कुछ MCQs प्रैक्टिस कर लिए तो भी आप मान के चलिए 70-80% क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे। और अगर आपने इसके साथ जो नोट्स दिए हुए हैं वो पढ़ लिए और एंड में मॉक टेस्ट दे दिया तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और ये जो 70-80% है ये इंक्रीज होकर आपका 90% प्लस हो जाएगा कॉन्फिडेंस। उतने क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे, उसमें एक्यूरेसी रहेगी आपको 90 में, अगर 90% भी एक्यूरेसी आप लाते हो 80% तो भी आप 90 से 100 नंबर आराम से ला सकते हो और ये ही आपको पास करवाएगा, ये मान के चलना। पार्ट बी कभी किसी का साथ नहीं देगा, पार्ट ए ही आपकी मेरिट में होना ना होना तय करेगा। तो ये कोर्स जो है ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। सिर्फ इस कोर्स को आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। देखिए जब यूँ ही इरेलेवेंट बात है, UPSC की तैयारी करते हैं ना तो वहाँ पे एक नियम बताया जाता है कि आपको हमेशा मिनिमम चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, मिनिमम स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना होता है क्योंकि इतना बड़ा कोर्स है, एक सब्जेक्ट के लिए 50 ऑथर की अलग अलग किताबें, आप किस किस से पढ़ोगे, बात वही है। तो आपको सबसे पहले न्यूनतम चीज़ें सेलेक्ट करनी है कि मिनिमम से मिनिमम, कम से कम, फिर उस मिनिमम को मैक्सिमम टाइम आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, उसको पढ़िए ताकि एक चीज़ को 10 बार पढ़ोगे तो उसमें कोई गलती होने की चांसेस नहीं होगी और एक ही चीज़ को आप 10 जगह से पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये कोर्स जो है वही है, इसको आप मिनिमम बनाइए कि बस मुझे तो इसमें एक्सपर्टाइज, जो इसमें कंटेंट दे रखा है, अब इतना तो ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा कि जो दिया है उसमें गलत नहीं दिया है, मतलब ऐसा किसी ने नहीं लिखा है ऑडिट का मीनिंग ही गलत बता दिया, वो चीज़ें सही ही होती है। ठीक है, तो ये कोर्स मोर देन इनफ है, आप मिनिमम तो मैं कहूँगा वीडियो लेक्चर्स प्लस MCQ प्रैक्टिस, और अगर आप ज़्यादा दे सकते हो अपना समय तो नोट्स और मॉक टेस्ट भी दीजिए। जो क्लास नोट्स है, जो क्लास में यूज हुए हैं वो रिवीजन के लिए है, 21st के बाद हम उनको भी आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल करवा देंगे, जैसे ही रिवीजन क्लास होगी उसके साथ वो आपको वर्कबुक ब्लैंक दे दी जाएगी। और लास्ट, कुछ लोग अभी भी अगर सोच रहे हैं तैयारी पूरे स्तर पर नहीं है तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ये लास्ट मौका है। जो कोर्सेज की प्राइजेज भी हमने रखी है वो कल परसों 7th जो अपना है जिस दिन फॉर्म खुलेंगे तब तक के लिए जो बहुत ही लो कॉस्ट पे अवेलेबल है, 800 से स्टार्टिंग है हिंदी का और 1000 का जूनियर अकाउंटेंट का है। इसके अंदर इतने सारे कंटेंट है, आपको देखिए लेक्चर्स है सारे, अब तो नोट्स है, वर्कबुक्स है, ये क्लास नोट्स है रिवीजन के लिए, MCQs है 4-5000, फिर मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। तो ये करते हो तो काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है तैयारी के लिए, आपको कुछ न कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हो, सोचने वाले स्टेज में हो तो आप शुरू कर दीजिए आँख बंद करके तैयारी। ये जो एक महीना है ये जीवन परिवर्तन करने के लिए काफ़ी है, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए काफ़ी है। अब एक महीना
अगर आपको लगता है इनसफिशियंट है तो आप पिछला एग्ज़ाम जिन लोगों ने क्रैक किया उनको पूछ लीजिए उनको कितना टाइम मिला था। तो ये टाइम जो है वो मोर देन इनफ है। और एक लास्ट मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं सारे ऑडिट के, तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में या जहाँ भी आप देना चाहें। कोई सजेशन हो तो भी ज़रूर दें। मैंने कोशिश की जो अपने पास कम समय है उस कम समय को अधिक से अधिक चीज़ें जानकारी आपको पहुँचाऊँ जो ज़रूरी से ज़रूरी है। तो आप अपने सजेशंस अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए, ऑनेस्ट रिव्यू। चलिए थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा एक और चीज़, अगर किसी को कोई डाउट्स या कोई छोटे मोटे टॉपिक्स जैसे रह गए, कोई रहने के तो वैसे चांसेस नहीं है, कोई माइनर छोटा टॉपिक हो सकता है या छोटी चीज़ हो सकती है, कोई डेफिनेशन, कोई डिफरेंस, कोई मीनिंग, तो वो सारे आप कमेंट्स के माध्यम से या बैच के अपना ऐप है उसके अंदर चैट बॉक्स में टॉपिक और उस इश्यू का नाम भेज दीजिए, वो अपन रिविज़न क्लास के अंदर ज़रूर उसको कवर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा ऐसे हर इश्यू को कवर करें, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहिए, कल मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी कंपनी ऑडिट की, सॉरी कंपनी लॉ की। थैंक यू वेरी मच।